निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद को विधानसभा का सदस्य मनोनीत किए जाने के पश्चात रविवार को सपरिवार जनपद आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर MLC डॉक्टर संजय निषाद ने अपने मछुआ समाज के मार्गदर्शक योगी मत्स्येंद्र नाथ और गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया और कहा कि गोरखपुर की धरती योगी मत्स्येंद्र नाथ की वह पावन कर्म भूमि है जहाँ से गुरु गोरखनाथ जी ने दीक्षा ली थी। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि भाजपा ने देश व प्रदेश में राम राज्य लाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा और निषाद पार्टी की गठबंधन की आधिकारिक घोषणा के बाद वो भाजपा और निषाद पार्टी का विजय रथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए श्रृंगेश्वरपुर धाम से शुरुआत कर रहे हैं। श्रृंगेश्वरपुर में नत्थालाल केवट ने भगवान श्री राम को पार उतारा था और निषाद राज ने अपनी सेना को भगवान श्री राम को देकर लंका पर विजय पताका फहराई, तब जाकर के राम राज्य आया। आज वही अपनी सेना और परिवार के साथ निषाद राज के किले से शपथ लिया कि जब तक उत्तर प्रदेश में मछुआरों के हक व अधिकार को दिलवा नहीं देंगे तब तक शांति से बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों में जो उत्साह आज उन्हें देखने को मिल रहा है उससे वह आश्वस्त हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों में BJP के मिशन 2022 के लक्ष्य से भी ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रचने का काम करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मनोनीत विधान परिषद सदस्य एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, सड़क से सदन तक की लड़ाई है। मैं अब तक सड़क पर वकील था, अब सदन का वकील हो गया हूँ। मैं पहले अपने कार्यकर्ताओं, अपने समाज को और इस पूर्वांचल की धरती को और इस मत्स्येंद्रनाथ और तथा गोरखनाथ गुरु की इस धरती को नमन करता हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा केंद्रीय नेतृत्व ने, दिल्ली और माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय नड्डा साहब, अमित शाह जी, कि इस जो 70 साल से 2 जून की रोटी जिनके पास नहीं थी, घर नहीं थे, कपड़े नहीं थे, उनकी एक आवाज़ थी, उसको एक प्लेटफार्म दिया। उस प्लेटफार्म को उनकी उनके रोजी रोटी के लिए, उनके उनके साधन संसाधन के लिए, सर्व समाज के लिए पहला काम यही करूँगा कि हर एक गरीबों के लिए शहर में एक कोचिंग सेंटर हो कि हर एक जाति बिरादरी के जो गरीब हैं उनके बच्चे भी IAS PCS बने, लोकतंत्र में सबको आसान। दूसरा, शिक्षा और रोजगार परक शिक्षा हो और इनके जो है महिलाओं की जो सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस बनाया जाए। जो भी इनके आरक्षण के मुद्दे थे वो लगभग हल हो चुके हैं। इनके जो पिछली सरकारों ने रोजी रोटी छीना था वो वापस हो चुके हैं, जल्द आपके सामने घोषणा हो जाएगा। इनके ऊपर जो फर्जी मुकदमे थे बेचारे वो भी वापस हो जाएगा। ये आज 70 साल से सताए गए, केवल निषाद नहीं, निर्बल, ये निर्बलों की आवाज़ की पार्टी है। अब सदन में पहली बार मैं ये जाऊँगा, जो घटनाएँ हुई हैं गोरखपुर में,
मनीष गुप्ता के साथ, वो मैंने पहले ही बताया, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ को कि उस महिला की पूरी बात को माना, आगे ऐसी घटना न हो उसके लिए हमने सोचा है कि जो एक सभी जैसे नेताओं की जो सुरक्षा होती है, उनके जो सुरक्षा कर्मी लगते हैं उसको साइको टेस्ट होते हैं, तो उसी तरीके से जनता जो होती है वो असली भगवान है, नेता के भगवान वही है, उसकी सुरक्षा में जो सुरक्षाकर्मी हो चाहे अधिकारी हो कर्मचारी हो, उनका साइको टेस्ट होना चाहिए कि वो समाज की सेवा के प्रति उनकी क्या सोच है, उनके लिए क्या सोच है, उस सोच अगर समाज की सेवा की सोच है तब तो उसे अवसर दिया जाए, नहीं तो उसे ऑफिस में रखा जाए, वो चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई विभाग हो, ये हमारा पहली प्राथमिकता हो, उसकी आवाज़ उठाऊँगा, कानून बनवा कर दिखा कर उनकी सेवा करने का काम करूँगा।